संसद में बम नहीं फूटाए ठीक है, लेकिन परिस्थिति तो इतनी गंभीर थी ना उस वक्त, ये कैसा हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आगे क्या होगा, इस बारे में हम जानना चाहते हैं, सदन जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। आपने सबके ऊपर एक्शन लिए है ना, आपने पुलिस को निलंबित किया, अपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया है, अपने फलाना फलाना बहुत सी बातें की है, लेकिन जिसकी वजह से ये लोग अंदर घुस गए वो तो आपका सांसद है। अगर ये कोई और किसी पार्टी का होता और किसी धर्म का होता तो आपकी भूमिका अलग होती, अब तक भारत पाकिस्तान शुरू हुआ होता, हिंदू मुसलमान शुरू किया होता। तो ये बात है कि आप आइए सदन में और बताइए देश को क्या स्थिति है, क्या हो गया है, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने इसी भी चीज को लेकर उन्होंने कहा है कि मुख्य मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा, हमने भी कहा था, जो बच्चे अंदर गए थे ठीक है, उनकी दिशा उनका तरीका वो गलत है, लेकिन वो भारत माता की जय, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे लेकर ही अंदर घुस गए थे। अगर कोई हमारी बात सुनती नहीं है तो हमारे बेरोजगार युवा इस अराजकता का ऊपर उतर जाते हैं। जिम्मेदार सरकार है, भगत सिंह ने पार्लियामेंट पर बॉम्ब डालने की कोशिश किया, बॉम्ब डाला था, एक विद्रोह उसके मन में था, हम समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इस देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आपको पूछे कि बेरोजगारी का मुद्दा कम खत्म होगा तो मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे बेरोजगार युवकों को कोई चिंता नहीं, आपको रामलला का दर्शन फ्री में कराएंगे। रामलला का दर्शन बेरोजगारों को फ्री में कराने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है सब नाटक, तो युवाओं के मन में एक विद्रोह की भावना है, और इस प्रकार के अगर घटनाएं होती है तो पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार है। शरद पवार कह रहे हैं सर, जिस तरीके से हीरा का जो कारोबार है सूरत चला गया, उसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, लेकिन यहाँ से रोजगार छीन गया जो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र से रोजगार छीनकर एक राज्य में जा रहा है, पूरे देश से, सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का रोजगार छीनकर सिर्फ एक राज्य में जा रहा है, ये इजरायली नीति है, आपको बोल रहा हूं मैं, पूरे देश का रोजगार छीनकर एक राज्य में जा रहा है, ये गलत है। मुंबई से, कलकत्ता से, बिहार से सभी ठेके एक राज्य के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, सभी आर्थिक जो गणित है वो एक राज्यों के तरफ जाने का मार्ग हमको दिख रहा है। तो क्या इस देश में और लोग नहीं है, और राज्य नहीं है, और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही राज्य है, ये बहुत गंभीर बात है। आप जाइए ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप जाइए ये सवाल गृहमंत्री से पूछिए, आप जाइए ये सवाल थाने के पुलिस कमिश्नर से पूछिए। अगर आप हमसे पूछते हैं ना ये सवाल, तो आप ये हिम्मत करिए मीडिया ने, मुख्यमंत्री गृहमंत्री इस देश के और राज्य के पुलिस कमिश्नर जाकर पूछिए, वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो कबूतरे फड़फड़ते हैं ना, ऐसे मुद्दे जब और के होते हैं तो उनसे जाकर पूछिए।